नमस्कार, लीगल नेताजी चैनल पे आप सभी को दिल से स्वागत करता हूँ। आज डिस्कस करेंगे कैसे आप प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना मतलब APY घर बैठे मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट का ये जो नया स्कीम है इसको अप्लाई करते हैं तो आपको हर महीना घर बैठे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपया तक का फिक्स्ड पेंशन घर बैठे बिना मेहनत के मिल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कोई भी बैंक अकाउंट एक चाहिए और इसके साथ साथ आपकी उम्र अगर 18-40 ईयर्स के अंदर है मतलब 18-40 साल की उम्र के अंदर है, आप अगर भारत का नागरिक है मतलब इंडियन सिटीजन है तो आपको ये जो स्कीम है इसमें आप सुविधा ले सकते हैं। कैसे आप अप्लाई करेंगे और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसको बारीकी से देखना है और आपको इसका लाभ लेना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है NPS CRA। जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, स्पेस नहीं देना है, ये टाइप करके आपको सर्च कर देना है। आपके सामने यहाँ पर पहला लिंक आ जाता है NPSCRA.NHDL, तो इसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने यह पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप इस पोर्टल का इंटरफेस भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ दिया हुआ है ओपन योर NPS अकाउंट, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने नया पेज इस प्रकार से ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा अटल पेंशन योजना, तो इसी योजना के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। तो सबसे ऊपर दिया हुआ है APY रजिस्ट्रेशन, तो इसी APY रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्म है ये खुलकर आ चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही फॉर्म भरकर आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो कैसे ये फॉर्म भरना है ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है आप इनकम टैक्स पेयर है, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट योर बैंक, तो आपको यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना है जिसमें आपका खाता खुला हुआ है। ठीक है, बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच का नाम टाइप करना है, जिस ब्रांच में आपका खाता खुला हुआ है उसका नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट टाइप, तो आपका बैंक अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको टाइप करना है, आपका जो भी अकाउंट नंबर है जिसमें आप लाभ लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपको IFSC कोड टाइप कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आप KYC कैसे करना चाहते हैं, ऑफलाइन आधार से या फिर वर्चुअल ID से, तो सबसे बेस्ट है आधार। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आधार को सिलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। ठीक है, जिसके नीचे दोस्तों आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी टाइप कर देना है, जो भी आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं। जिसके बाद दोस्तों यहाँ से नीचे आना है। अब यहाँ पर आपसे पेंशन अमाउंट पूछा जाता है, तो आप कितना रुपए महीना लेना चाहते हैं, 1,000 रुपए लेना चाहते हैं, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए, सभी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप 1,000 सेलेक्ट करेंगे तो आपको 1,000 रुपए महीना मिलेगा, 2,000 सेलेक्ट करेंगे 2,000 मिलेगा, 3,000 सेलेक्ट करेंगे 3,000 मिलेगा, ऐसे 4,000 सेलेक्ट करेंगे 4,000 या फिर 5,000 सेलेक्ट करेंगे तो आपको महीने का 5,000 रुपए जो है पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे जो है कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है, तो आप इसे जो है मंथली सिलेक्ट कर लेना, ये सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके बाद यहाँ पर आपको कंसेंट देना है चेकबॉक्स पे क्लिक करके। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये जो कैप्चा कोड है इसे दोस्तों आपको प्लस माइनस जो भी करना रहेगा उसे करके यहाँ पर रिजल्ट जो है टाइप कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक OTP जाएगा, उसे आपको सत्यापित करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों इस योजना के लिए आपका आवेदन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपके घर पर 10-15 दिन में एक कार्ड भी आ जाता है जिसे आपको संभाल कर रखना है। अब इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, क्या है यह योजना, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह योजना क्या है, कैसे लाभ मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है कि अटल पेंशन योजना यानी कि APY योजना 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए प्रति माह की पेंशन प्रदान करने की गारंटी प्रदान करता है। यानी कि यह योजना आपको गारंटी देता है कि 60 वर्ष के बाद आपको 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए का पेंशन देगा। ठीक है,
और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो बताया गया कि किस किस उम्र के लोग जो है शामिल हो सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, 18 से 40 वर्ष के बीच के लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अगर आप 18 साल से हैं या फिर 40 साल के हैं तो लाभ ले सकते हैं आसानी से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से जो है आवेदन कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पर पूरा का पूरा जो है बताया गया है। साथ में दोस्तों इसमें जो मतलब कि पैसे हैं वो आपके सेविंग अकाउंट से ऑटो डेबिट होते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। जो आप सेलेक्ट करेंगे महीने का या फिर साल का, तो ऑटोमेटिक वो दोस्तों यहाँ से अंशदान होते रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा योजना के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब कितना दोस्तों आपको अंशदान करना पड़ेगा वो सब यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा जो है यहाँ पर लिस्ट दिया है। अगर आपका दोस्तों उम्र जो है 18 साल है और आप 1000 रुपए का महीने का पेंशन लेना चाहते हैं 60 साल के बाद, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 42 रुपए देना पड़ेगा महीने का, आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ बताया गया है, ठीक है। जिसके बाद दोस्तों उम्र बढ़ेगा तो आपको यहाँ पर अमाउंट भी बढ़ जाता है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो है लिस्ट दिया है तो आप चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप 2000 रुपए महीने का पेंशन लेना चाहते हैं, आपका उम्र अभी 18 साल है, तो आपको ऐसे में 84 रुपए जो है महीने का अंशदान करना पड़ेगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे लोगों का उम्र बढ़ा है तो ऐसे में अमाउंट भी बढ़ा हुआ है, तो आप पूरा लिस्ट जो है ध्यान से देख लेना। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर अगर आपको जो है 3000 रुपए महीने का पेंशन चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पर उम्र इस समय 18 साल है तो आपको 126 रुपए का अंशदान करना पड़ेगा, यानी कि 126 रुपए आपको महीने का देना पड़ेगा, फिर आपको 60 साल बाद 3000 रुपए जो है महीने का जो है पेंशन मिलेगा अटल पेंशन योजना के तहत, ठीक है। उसके बाद अगर आपको 4000 रुपए का पेंशन चाहिए 60 साल के बाद, तो ऐसे में दोस्तों अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको क्या करना होगा, 168 रुपए पे करना पड़ेगा, अंशदान करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपको उम्र 40 साल है और आप 4000 रुपए का पेंशन लेना चाहते हैं तो 1164 रुपए पे करना पड़ेगा महीने का, ठीक है। तो उम्र के हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। उसके बाद अगर आपको 5000 रुपए का जो है मंथली पेंशन चाहिए, आपका उम्र 18 साल है, तो 210 रुपए महीने का आपको अंशदान करना पड़ेगा, फिर आपको जो है 60 साल के बाद 5000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट जो है आप चेक कर सकते हैं, इसका जो लिंक है ये टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर मैंने दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप अटल पेंशन योजना यानी कि APY योजना में आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। मैंने आपको पूरा A to Z जो है बता दिया है, कैसे आवेदन करना है, कैसे आपको लाभ मिलेगा, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगे तो दूसरे के साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग आदमी को इससे हेल्प होगा। आज के लिए धन्यवाद।